बहुत ही इंटरटेनिंग एंड कॉमेडी फिल्म है. इस तरह की फिल्में आपके प्रोडक्शन में सर बहुत ही कम देखने को मिलती है, लाइक राजनीति बहुत सीरियस फिल्में देखने को मिलती हैं. ये काफी अब आपने से डिसाइड किया कि आप डिफरेंट करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त. हाँ बिल्कुल, लोगों का मानना है कि मेरी मेरी पहचान जो है या मेरे बारे में लोग जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये सीरियस पॉलिटिकल फिल्म करते हैं. बट हमारी हर फिल्म में कॉमेडी होती है और इस फिल्म में कमाल की कॉमेडी है. मैंने अपनी समझो विचार में से पॉलिटिक्स निकाल दी और कॉमेडी छोड़ दी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आजकल बहुत कॉमेडी होने लगी है. तो टू कम टू द पॉइंट, जब मैंने ये कहानी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, जब दिशा और कनिष्क लेकर के आए इस कहानी को, उन्होंने कहा फ्रॉड सही है, ये क्या है भैया, आप पढ़िए कहानी, हमने सोचा है कि इस एक्टर के साथ काम करना है, आपको अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो बात करें. पढ़ के मैं हैरान रह गया कि मतलब कोई ऐसा सोच कैसे सकता है, इस तरह के सीन्स कैसे सोच सकता है, ऐसे कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं. और कमाल की जो चीज़ है, क्योंकि वो जो होता है ना कि कॉमेडी में भी एक जुगाड़ होता है, ये नेटिव इंटेलिजेंस जो है वो जगह की अपनी इंटेलिजेंस के, बनारस वाला आदमी जो है वो ऐसे करेगा, जौनपुर का आदमी इस तरह से करेगा, गोरखपुर का आदमी कुछ और करेगा, मथुरा का आदमी जो है वो कुछ और करेगा, और उसी इलाके की ये कहानी है. तो मैं हैरान रह गया क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ थी और कमाल का कैरेक्टर था ये. और ये जब दोनों अरशद और सौरभ मिल गए तो सोने में सुहागा, बहुत मज़ा आया. फिर मैंने डिसाइड किया इसको बैक करने का और प्रेजेंट करने का. और हमारे यहाँ से तो मैंने हर तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, क्रेजी कुकड़ फैमिली भी प्रोड्यूस की है, दिल दोस्ती एट्सेट्रा भी प्रोड्यूस की है, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा भी. मतलब हर फिल्म बनाने वाला मेरे जैसे ही सोचे ऐसा तो नहीं होना चाहिए. और मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी समझ, मेरी कहानियाँ थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन मैं इन्जॉय करता हूँ कॉमेडी को और मैं हंसना चाहता हूँ. और भगवान ना करे कि कोई हंसना भूल जाए, क्योंकि अगर हम ना हंसें तो ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सर, टाइटल के पीछे का क्या राज है? फ्रॉड सही यानी क्यों? कुछ अलग? यही तो कमाल था कि मतलब हम लोग फ्रॉड बोलते रहते हैं अपने आदमियों को, लेकिन उसके साथ प्यार भी करते रहते हैं. तो ये प्यारा कैरेक्टर, ये भोला है, उतना भोला नहीं है जो कैरेक्टर है अरशद वारसी का, लेकिन फ्रॉड जरूर है, भारी फ्रॉड है. टैगलाइन भी है, सब सब मर्द कुत्ते नहीं कुकट करके है. अब ये बॉर्डर लाइन पे है, इसकी इसकी बात आप समझती हैं, आप समझ लीजिए. सर, सोशल मीडिया पे मुझे ये तो नहीं पता आप कितना एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में जो है पाकिस्तानी एक्टर भी हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर ही क्यों चूज की. हमें तो पता ही नहीं था यार वो पाकिस्तान से हैं कि कहाँ से हैं, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं था. अब पता चला है कि उनको कोई बाहर गई है, उनको वीजा वीजा में प्रॉब्लम हो रही है, तभी पता चला पाकिस्तानी नहीं है, कहीं और की हैं, कहीं क्या, कहीं दुबई में है, उनका प्रोसेस चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, वो शायद ज्वाइन कर ले हमको एक आध दिन के अंदर में, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं मत पता था कि वो पाकिस्तान से है. सर, आपकी फिल्म चीट इंडिया के साथ क्लैश कर रही है. चीट इंडिया पहले 25 को आ रही थी, अब वो प्रीपोन होकर 18 को आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? तो बड़ा ही अच्छा है, ये शुक्रवार ऐसा होगा जहाँ चीट्स और फ्रॉड्स एक साथ साथ होंगे, अच्छा ही है. सर, मतलब ऐसा सवाल ये भी है कि इलेक्शन भी आ रहा है और आप पॉलिटिक्स की दुनिया से आपका नाता भी रहा है, तो कैसे देखते हैं आप लोकसभा इलेक्शन को? एंड पॉलिटिक्स की दुनिया से तो मेरा नाता रिश्ता नहीं रहा, पॉलिटिक्स मैं देखता जरूर हूँ, समझता जरूर हूँ और बड़ा उसका बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ. दो बार इलेक्शंस में मैंने कंटेस्ट किया था, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग. मेरे दिमाग में कुछ आइडिया था कि किस तरह से काम करना चाहिए कंस्टिट्यूएंसी में, बट वो हुआ नहीं. तो अगला इलेक्शन भी मैं बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से इलेक्शंस में भागीदारी नहीं कर रहा हूँ, ये बात पक्की है. सर, इसका कहीं ना कहीं प्लॉट लेडीज वर्सेस रिकी बेल से मिलता जुलता है, फर्क बस इतना है कि उसमें रणवीर की शादी नहीं होती और इसमें इनकी बहुत सारी शादियाँ हो रही है. तो वो आप देखिए, जब पिक्चर देखेंगे तो आप प्लॉट की बात कीजिएगा, अभी तो ऐसा प्लॉट है कि उस प्लॉट के ऊपर में मल्टीप्लेक्स बन जाएगा. सर, फाइनली आई थिंक टॉप जैन बहुत ही दिन नजदीक आने वाले हैं, तो एज एन प्रोड्यूसर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ही आश्वस्त हूं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और जितना मैं हंसा हूं और जितना मैं मुझे गुदगुदाहट हुई है, मैं जानता हूं कि 18 जनवरी को जब फ्रॉड संहिता देखने लोग आएंगे तो उनको उतना ही मज़ा आएगा. और ये फिल्म
अच्छे किरदार देगी उनको और बहुत मजा देगी। सर हमें नेक्स्ट आपसे क्या देखने मिलेगा एज अ डायरेक्टर? नेक्स्ट आप 18 के बाद आएंगी, मैं आपको समोसे खिलाऊंगा और अपने जो फिल्म मैंने शूट कर ली है उसके बारे में बात करूंगा और जो फिल्म शूट करने वाला हूं उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद आपका। आखिरी सवाल है, दिशा जी से हमने बात की थी, उनका कहना है कि मुझे डायरेक्शन की दुनिया में नहीं आना है और बिल्कुल नहीं आना है उनको, उन्होंने सब डिपार्टमेंट में काम कर लिया है, उन्होंने 5 साल जो 5 साल क्यों राजनीति से लेकर के और काम शुरू किया, उन्होंने डायरेक्शन में असिस्टेंट किया, कॉस्ट्यूम देखा, प्रोडक्शन में काम किया, हर डिपार्टमेंट में काम करने के बाद वो आई मेरे पास, कहा मुझे तो प्रोड्यूसर बनना है। मैंने कहा तुमको मेहनत नहीं करना चाहती हो इस वजह से तुम प्रोड्यूसर बनना चाहती हो, हंसने लगी। लेकिन हाँ, उसने सब सीखने के बाद में ये प्रोडक्शन का काम संभाला, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।